यस आई मीन यू नो जब इंटरनेट है, जब नई टेक्नोलॉजी है तो फिर नई नई बाधाएं और प्रॉब्लम्स भी होंगी. सो नोबडी वांट्स देयर फिल्म टू लीक या पहले रिलीज हो जाए, उसमें नुकसान ही होता है. और आई थिंक अभी रूल्स और स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे और जितने भी जगहों से लीक होती है पता नहीं चलता कैसे होगी. बहुत मुश्किल है, मतलब ये आई थिंक यहीं पर नहीं दुनिया में ये प्रॉब्लम है. फॉरेन फिल्में भी जो हैं एक दिन पहले रिलीज हो जाती हैं. और हम आप में से भी ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो गलती करते होंगे कि उसको वहाँ पे देख भी लेते होंगे. सो ओनली रिक्वेस्ट कैन बी कि आप उसको ऑनलाइन ना देखें, थिएटर्स में देखें या जहाँ पे जिसका प्लेटफॉर्म है वहाँ देखें. एंड आई एम श्योर रूल्स आएंगे बिकॉज देर इज अ टेक्नोलॉजी विच कैन डू दिस, देन देर विल बी अ टेक्नोलॉजी डेवलप इन टर्म्स ऑफ रूल्स विच विल स्टॉप इट आल्सो. Hi Shahrukh sir, this is Ruby here from Pinkura. To your right. Sir, how was you? For some time back, you walked in with Abraham and you waved to your fans. What was the best thing that you did today morning with Abraham? How was it? How was it? उसका नाम अब्राम है. वो एकदम कंफ्यूज हो गया हुआ यार सब. मुझे भी कहते हैं इब्राहिम और अब्राम. हाँ एकदम कुछ अमेरिकन साउंड करने लगे हो. अब्राम एंड वो अमूमन जब कोई ऐसा दिन होता है, जन्मदिन हो, दिवाली हो, ईद हो, तो लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आई थिंक नाम लेते हैं ऊँचा ऊँचा, अंदर आवाज़ आती है घर में. और वो जो है सुबह बड़ा एक्साइट हो जाता है और कहता है पापा 50 हैव कम. सो वो मैं एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, मैं रात को काम कर रहा था तो मैं सोया बहुत लेट. मैंने यही सोचा था आप लोग जो है 4:30 बजे मुझे मिलना है, यू हैव समथिंग टू ईट बाई 3:30 एंड देयर आई मीट यू. तो मैं आराम से 2:30 बजे उठूँ. बट ही केम टू माई रूम एंड पापा 50 हैव कम, पापा 50 हैव कम. वो अपना कुर्ता पजामा पहन के रेडी था बिकॉज वो सो जाता है. सो या दैट्स वेरी नाइस. ही ऑलवेज आई डोंट नो हाउ ही फील्स इट क्योंकि उम्र में बहुत छोटा है, बट ही रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट पीपल हु लव मी एंड एडमायर मी कम आउटसाइड द हाउस एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मेरा हाथ पकड़ के वो मुझको बैल्कनी पे लाता है. देन आई गॉट हिम आउट बिकॉज आई थिंक इफ ही रिस्पेक्ट्स इट सो मच ही शुड गिव बैक द रिस्पेक्ट इवन एट दिस एज. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव ब्रॉट इन माय लाइफ? आई हैव लॉट्स मोर टॉयज टू प्ले विद. नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं दिखाऊंगा छोटी गाड़ियाँ, साइकिल्स, आयोहॉक, फ्रीगो. सो ऑल दीज थिंग्स नाउ आई हैव एन एक्सक्यूज टू बाय. तो मेरे पास एक बहाना है कि मैं खिलौने जाकर खरीद सकूँ अब्राम के नाम पर और खुद खेलूँ. Words to anyone who's starting or continuing with education is please give it your best. Education is not only about the books that you will read there, but the people that you meet in schools and colleges. I want in my country everyone to be least educated up to graduation. I pray for that. I hope for that, and I hope everyone does it. मैंने ऐसे सुना है actors जो बात करते हैं, लोग उस बात को सुनते हैं और उसका notice करते हैं. सो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ उसमें अगर एक बात जिंदगी में कोई आदमी ठान ले वो ये है कि पढ़ाई को जो है सबसे ज़्यादा इल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में दी. सो आई थिंक बींग एजुकेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड कोई भी एज छोटी या बड़ी नहीं है पढ़ाई के लिए. हम में से बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया. एंड आई टेल देम ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू बैक एंड स्टडी अगेन. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी. सो I tell my son and all the sons and daughters outside that please educate yourself. It will always hold you in good stead. Yes, of course. लेकिन जहाँ तक मुझको नॉलेज है सलमान के घर का खाना बहुत अच्छा होगा और हम ज़्यादा वेट करते हैं जहाँ तक मुझको नॉलेज है. प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे किसी घर से आया हुआ अच्छा नहीं है, सभी का अच्छा होता है. बट वहाँ पे जो है बहुत पकवान बनता है. सो मोस्ट प्रोबेबली आइदर वील गो देयर, ही कम देयर, और वील गो टू आर्मीज, वील ट्राई एंड फिक्स अप सम प्लेस जहाँ पे तीनों बिरयानियों को मिलाकर मिश्रण करके हम खा सकते हैं. मुझे याद है कि आपने हमको एक बार बताया था कि आप बचपन में बाइक वगैरह पे जाया करते थे. जब मैं यहाँ पर नहीं होता
तो हुडी पहन के चुपचाप से लंदन में या दुबई में साइकिलिंग जरूर जाता हूँ. मेरे पास साइकिलें हैं और बहुत अच्छी साइकिल्स हैं मेरे पास. सो आई टेक दो साइकिल्स आउट विद माई चिल्ड्रन एंड राइड इन लंदन समटाइम्स. एंड लेकिन वो इतना एंजॉय नहीं करते अभी यार, उनको ऐसा लगता है ये क्या साइकिलिंग. आई थिंक तो अब्राम इज लेफ्ट नाउ, सो मे बी नेक्स्ट ईयर व्हेन ही इज अ लिटिल ओल्डर, बट आई डू टेक साइकिलिंग, टेक देम आउट साइकिलिंग ऑन द स्ट्रीट्स. एंड थैंक यू. आई जस्ट स्पीक यार बोल दो थैंक यू यार. थैंक यू यार. We have two reasons, yeah. One is, I think me and Salman have said, we've talked about it, कि हम जो सोचते हैं बड़ी फिल्में हैं, ये नहीं कि हम दोनों ही सोचते हैं हमारी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन एक बड़ी फिल्म का एक अपना एक लेवल होता है रिलीज वाइज, कि वो 3,500-4,000 थिएटरों में रिलीज होनी चाहिए. और एक दो बार उसके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, कि जब दो बड़ी फिल्में आती हैं, वी डोंट गेट द थिएट्रिकल रिलीज वी वांट. और जो फिल्मों का बजट होता है perhaps वो उसको झेल नहीं पाता कि वो 4,000 थिएटर्स में रिलीज ना हो. सो टिल सच टाइम वी हैव एट लीस्ट 8,000-10,000 थिएटर्स फ्री फॉर वन टू फिल्म्स. आई डोंट थिंक टू बिग फिल्म्स कैन कम. सेकेंड पार्ट वॉज वी वर स्टिल वर्किंग ऑन इट. जैसा मैंने पहले बताया मुझे चोट लग गई थी, सो देर आर पोर्शन जिसमें मेरा बॉडी शॉट वगैरह कुछ वर्क आउट ऑन इट, सो आई स्टिल हैव टू शूट दैट फॉर अ डे, बट द फिल्म इज रेडी. और हमको ऐसा लगने लगा, हमने दूसरी ऑल्टरनेट डेट सोची थी साल में, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई और एक और बड़ी फिल्म आ रही थी, तो इट वॉज जस्ट लाइक कि वो कहते हैं ना जिसको कि फ्रॉम द फ्राइंग पैन इन टू द फायर वी गो एंड रिलीज विद सम अदर फिल्म. सो वी हैव डिस्कस्ड विद रितिक फॉर काबिल, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई है, इट वॉजन बींग मेड. सो होपफुली वी विल कम ऑन 26th or 25th जनवरी नाउ. तो वक्त भी है और अभी भी काम बाकी है, मैंने अभी वो लास्ट शॉट नहीं किया. You know, it's very simple. What is your wish for the country and the world? That everybody should be peaceful and be happy and educated and healthy.